आरोपबाजी, आरोपबाजी तो होनी ही चाहिए। क्या देख रहे हैं कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की और आपकी कितनी सीटें आएंगी, क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ कांग्रेस जीत सकती है और भाजपा हारेगी। तो 18 तारीख जब 18 तारीख को दूसरा इंटरव्यू करेंगे उसमें और मजा आएगा। नहीं, क्या डिसाइड, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो कॉन्फिडेंट लगे? नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, सब हमारे तो तुरंत ही होता है, क्योंकि आंदोलनकारी की कोई रणनीति और तैयारी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया राहुल गांधी को, कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिए, उस बारे में क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं, उसमें मुझे पढ़ना भी नहीं, उसमें पढ़ना नहीं। मनमोहन सिंह ने भी कहा, बातें कही कि इस तरह की स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, क्या कहेंगे? एक जो साइलेंट नेता थे वो भी आ गए बोलने लगे। झूठ ज्यादा बोलोगे तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा बेचारे को बचने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं गुजरात की जनता से? और बस जल्द से जल्द वोट कीजिए और अपने भविष्य के लिए वोट करके एक नया गुजरात बनाइए। मैं सुबह आपके घर पे आया था, आपके माता पिता का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने पूछा कि आपकी जीत के लिए क्या कहेंगे? मुझे भरोसा जीत होगी गुजरात की, जीत होगी गुजरात की। आपकी बहन है, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जो ये मुद्दा उठा और ये जो आपने आंदोलन किया उनकी वजह से किया था, क्या कहेंगे? काफी अच्छा होगा, थैंक यू।